Greetings to all, myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about viruses. बच्चों, आज मैं वायरस का आपको छठा लेक्चर आपका अपलोड कर रही हूँ. पांच लेक्चर में मैं आपको वायरस के जनरल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके इकोनॉमिकली यूजेस, उसके ट्रांसमिशन, उसका सिम्टम्स के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ. पिछले फोर्थ वे फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताया. इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सटर्नल वायरल सिम्टम्स के बारे में आपको फोर्थ वीडियो में बताया. कौन कौन से एक्सटर्नल वायरल सिम्टम्स होते हैं? क्लोरोसिस, मोज़ेक, मॉल्टिंग, वेन क्लोरोसिस एंड वेन क्लियरिंग, नेक्रोसिस, रिंग स्पॉट, इनेशन, स्टैंडिंग इन ग्रोथ, प्रीमेच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स. एक्सेसिव ग्रोथ, येलोइंग, डिस्टॉर्शन, फिलोडी, स्टेलिटी एंड विट्स ब्रूम के बारे में मैंने आपको बताया. फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको इसके इंटरनल सिम्टम्स के बारे में डिटेल में बताया. चेंजेस इन पेरेन्काइमा टसेल, चेंजेस इन जाइलम, चेंजेस इन फ्लोएम एंड चेंजेस इन सेल ऑर्गेनेल्स. इसके बाद हमने फिफ्थ वीडियो में ही वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में चर्चा करी, वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करी. तो बच्चों, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि संचरण किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसमिशन. वायरसों के एक परपोशी से अन्य परपोशी में पहुंचने को संचरण या ट्रांसमिशन कहते हैं. ट्रांसमिशन कई तरीके से होता है. ट्रांसमिशन बाय वेजिटी प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन द्वारा संचरण. मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस थ्रू सेप, सेप के द्वारा मैकेनिकल ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय सीड्स, बीजों के द्वारा संचरण. ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय पोलन, पराक्रमण द्वारा संचरण. ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय डोडर, अमरवेल द्वारा संचरण, कस्कुटा द्वारा संचरण. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय वेक्टर्स, वेक्टर या रोगवाहकों द्वारा संचरण. अब मैं इस वीडियो में आपको वेक्टर द्वारा, रोगवाहकों द्वारा संचरण के बारे में बताऊंगी और इसके साथ साथ प्लांट वायरस का नियंत्रण कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी. ट्रांसमिशन बाय वेक्टर्स, वेक्टर्स द्वारा ट्रांसमिशन. इंसेक्ट ट्रांसमिशन, माइट कीट रोग वाहक, माइट ट्रांसमिशन, माइट द्वारा ट्रांसमिशन, निमेटेड ट्रांसमिशन, सूत्रकृमि द्वारा रोग वाहक और फंगस ट्रांसमिशन, फंगस द्वारा ट्रांसमिशन. सबसे पहले हम आते हैं इंसेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि कीट रोग वाहक द्वारा संचरण. इंसेक्ट्स विच यू और सक प्लांट टिश्यू आर द आइडियल एंड द मोस्ट कॉमन. इंसेक्ट्स जो इसको चबाते हैं या इसका रस चूसते हैं प्लांट टिश्यू का, उसके द्वारा ये इंसेक्ट से ट्रांसमिशन इसका होता है. मीन्स ऑफ ट्रांसमिटेड वायरसेस टू न्यू होस्ट इन द फील्ड. ये इंसेक्ट्स नए हेल्दी प्लांट को रस के चूसने के द्वारा या चबाने के द्वारा संक्रमित करता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस वेक्टर आर एफिड्स, लीफ होपर, वाइट फ्लाइज एंड थ्रिप्स. एफिड्स, लीफ होपर, वाइट फ्लाइज और थ्रिप्स जो होते हैं ये वायरस के वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं. आपको पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा होगा, इंसेक्ट से हेल्दी प्लांट से इसने लिया, हेल्दी प्लांट के रस को चूसा और वहाँ से ये स्वस्थ पौधे में ट्रांसमिट हो गया.
विभिन्न प्रकार के कीट जैसे एफिड या फड़का, पाथ फुदक लीफ होफर, श्वेत मक्खी वाइट फ्लाइज, चूर्णी मतकुण मिलीबग्स, सियाद या कास्ट कीट थ्रिप्स, चिचड़ी माइट्स, भ्रंग या भोरे बीटल्स, टिड्डे ग्रास होपर्स आदि वायरस के संक्रमण में सबसे प्रभावी साधन हैं। वायरस का संचरण करने वाले कीटों को वेक्टर्स कहते हैं। इसके द्वारा वायरस का संचरण होता है। इसके अतिरिक्त सूत्रकर्मियों व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा भी वायरस का संचरण होता है। दूसरा है माइट ट्रांसमिशन। माइट्स ऑफ द फैमिली इरियोफिडेसी ट्रांसमिट एट लीस्ट 6 वायरस इंक्लूड वीट स्टिक मोज़ेक वायरस, ओनली 1 टेट्रा नाइचाइडी एंड 5 इरिफिड्स माइट्स हैव बीन प्रूव टू बी द वेक्टर्स ऑफ प्लांट वायरसेस। इट आल्सो अपीयर टू ए नॉन स्पेसिफिक और कॉजल वेक्टर ऑफ पोटेटो वायरस वाई। ये माइट्स के द्वारा ट्रांसमिशन हो गया इसका। नेक्स्ट है निमेटोड ट्रांसमिशन, यानी कि सूत्रकर्मी द्वारा रोगवाहक के रूप में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। निमेटोड प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय 3 जेनरा ऑफ सोइल इनहेबिटिंग। एक्टोपरासाइटिक निमेटोड्स ट्रांसमिट सेवरल वायरस सच एज ग्रेप्स टोबेको एंड अदर वायरसेस। मृदा में निवास करने वाले पादप परजीवी सूत्रकर्मी वायरसों के साथ ट्रांसमिट करते हैं। सूत्रकर्मी द्वारा संचरित वायरसों के समूह में बहुतलीय निपो वायरस, दंडाकार टोब्रा वायरस, इनका संचरण जिफिनिमा तथा ट्राइकोडोरस नामक सूत्रकर्मी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इनका संचरण? जिफिनिमा द्वारा होता है और ट्राइकोडोरस सूत्रकर्मी द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। जिफिनिमा सूत्रकर्मी द्वारा टमाटर की काली वले वायरस व अंगूर में फेन लीफ होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका। जिफिनिमा द्वारा टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस व अंगूर में ग्रेप फेन लीफ वायरस का ट्रांसमिशन होता है। ट्राइकोडोरस द्वारा तंबाकू की रेटल वायरस टोबेको रेटल वायरस वे मटर की अगेती ब्राउनिंग वायरस का संचरण होता है। अर्ली ब्राउनिंग वायरस का संचरण मटर में होता है। नेक्स्ट है फंगल ट्रांसमिशन। रूट इन्फेक्टिंग फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म दे प्लाज्मोडीफॉर्माइटिस पॉलीमैक्सा स्पीशीज हैं। इन फंगस द्वारा ट्रांसमिशन होता है। एंड स्पेंजस्पोरा स्पीशीज ऑल्फिडियम ट्रांसमिट एटलीस्ट 30 प्लांट वायरसेस। ये सब जितने भी फंगस हैं ये प्लांट वायरस को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें ये फंगस विद्यमान होती है और इसमें सेब के द्वारा या किसी के द्वारा भी फंगस में इन्फेक्शन आ जाता है और एक से दूसरे में ये इजीली ट्रांसफ़र फंगस के द्वारा हो जाता है। एक पौधे से हेल्दी प्लांट में, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है।
इन्फेक्शन। अब हम आते हैं कंट्रोल ऑफ प्लांट वायरसेस। पादप वायरसों का नियंत्रण कैसे करते हैं? वायरस की हानिकारक क्रियाविधियों को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। रोगग्रस्त पादों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोपण तथा चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बीजों एवं गन्ने के आलू के अंगों का चयन स्वस्थ व रोग रहित होना चाहिए। मृदा में व्याप्त वायरसों को फसल चक्रीकरण या क्रॉप रोटेशन प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि रोगग्रस्त पादपों को उखाड़कर जला देना चाहिए। दूसरा, पौधे का हम चयन, जो भी पौधे का हम चयन करते हैं तो हम हेल्दी प्लांट व रोग रहित पौधों का चयन करें। थर्ड है हमें कि क्रॉप रोटेशन प्रक्रिया द्वारा भी इन वायरस को नष्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रमाणिक रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो भी प्रमाणिक बीज हैं या प्रमाणिक रोग प्रतिरोधक किस्में हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। फिफ्थ है, सुरक्षित व रासायनिक उपचारित पौधे घर में तैयार करने चाहिए। सिक्स, एकांतर खरपतवार पोषकों को जड़ मूल नष्ट कर देना चाहिए। अल्टरनेट वीड हो जो भी हैं खेत में लगे हुए हैं या आसपास लगे हुए हैं उसको जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आलू की खुदाई के समय आलू कंदों पर स्याही के निशान लगाकर ट्यूबर इंडेक्सिंग अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, जैविक नियंत्रण के अंतर्गत हानिकारक कीटों पर मिलने वाले वायरसों को कीटनाशक के छिड़काव द्वारा नष्ट करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स का इस पर छिड़काव करना चाहिए। आर्थिक महत्व के कम ऊंचाई वाले पौधों को फसलों के चारों तथा ऊंचे ट्रेप फसल के रूप में उगानी चाहिए, जिससे कि कीट फसल पर पहुंचने से पहले ट्रेप फसल पर आकर्षित होकर वहीं पर अपने अंडे दे दें। ट्रेप फसल को जलाकर वायरस को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए ट्रेप क्रॉप जो किसान लोग आजकल अपनाने लगे हैं। नेक्स्ट है, कृषकों को शिक्षित करके खेत में करने के पश्चात उनके हाथ पैर कपड़े व यंत्रों को भली भांति साबुन से धोकर दूसरे खेत में जाना चाहिए, क्योंकि वायरस का जो संक्रमण होता है ये सेब के द्वारा होता है। तो जो भी वायरस अगर संक्रमित करते हैं तो उनके औजारों पर वायरस चिपक गए, उनके कपड़ों पर चिपक गए, उनके यंत्रों पर चिपक गए, तो इन सबको साबुन से साफ कर डिसइंफेक्टेड कर देना चाहिए ताकि ये हेल्दी प्लांट में इन्फेक्टेड ना हो। खेत में कार्य करते समय तंबाकू निर्मित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू में भी वायरस प्रेजेंट होते हैं। आधुनिक तकनीक के अंतर्गत TMV को एक्सरे किरणों से उपचारित कर नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक जो है महंगी होती है और इसका उपयोग कम से कम किया जाता है, इसलिए हमें अधिकतर हमें देसी उपाय जिसमें कि हमें लागत कम हो उसके द्वारा इसको नियंत्रित करना चाहिए। इसके साथ साथ कृषि बागवानी आदि कार्य में करते समय साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वायरस के ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साफ़ सफाई। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो वायरस के ट्रांसमिशन को आप काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये वायरस के कंट्रोल के उपाय हैं बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों।